हमारे साथ एक स्टूडेंट और जुड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? उत्कर्ष भट्ट है सर। उत्कर्ष का भी एग्जाम था, उत्कर्ष कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है, और मेनली सर मैथ में जो सर पढ़ा रहे थे, मैथ हमने शुरुआत से उनकी सारी क्लासेस करी हैं। आशीष सर की? हाँ सर, मैथ सारी क्लासेस अच्छी हुई, एक दो क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव थे हमने एक दो बार प्रैक्टिस की, नहीं आए तो हमने छोड़ दिए उसकी। इसी से सर हम लास्ट हिंदी तक पहुँच गए, और हिंदी में भी चार क्वेश्चन सर मेरे छूटे हैं। उत्कर्ष ने अपना अटेम्प्ट लिखा है, रीजनिंग के 40 है, जीके के एक पार्ट में 11, एक में 16, मैथ में 18-16, इंग्लिश में 18-23 और हिंदी में 20-17। उत्कर्ष इसमें से कितने ठीक मान लूं मैं? इसमें सर जीएस में थोड़े से एक दो जो हमने लगाए, बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। और सर अगर ये उत्कर्ष की बात ठीक हुई ना, तो उत्कर्ष टॉपर हो जाएगा भाई, ये लगभग 170-71 नंबर है। ईडब्ल्यूएस से है सर, यूपी से। ईडब्ल्यूएस से भाई, ईडब्ल्यूएस तो वैसे ही देखते हैं सर। नमस्ते भाई, EWS मैथ से क्लास, कट ऑफ आपकी मैथ क्लास बहुत अच्छी हुई सर। मैथ, हां सर, सारी क्लास हमने ली है मैथ की, बढ़िया था। 530 वाला वाला बहुत सर, पूरा अगर अटेम्प्ट करो तो अच्छे से है सर। ठीक, नमस्ते। हमारे साथ है ना वो भाई, रह गए एक मिनट, एक स्टूडेंट और जुड़े, क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र मिश्रा सर, अलवर। सुरेंद्र मिश्रा अलवर राजस्थान से। जी सर, सुरेंद्र ने ये बताया कि किस तरीके से अटेम्प्ट किया, क्या फायदा मिला आपको? सर जो मैंने आपने कल वीडियो बनाई थी 535 रूल वाली, कि आपने मैथ में 5 क्वेश्चन छोड़ देने, अगर डिफिकल्ट लग रहे हैं तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, उसके अकॉर्डिंग किया था, वो एकदम सही चल रहा था। मैथ वैसे इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं था, रीजनिंग बिल्कुल ईजी थी, हिंदी बिल्कुल ईजी, और इंग्लिश भी ठीक ठाक थी सर। तो अटेम्प्ट मतलब टाइम से पहले खत्म करना, टाइम से पहले, हाँ बिल्कुल सर, आपने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम मतलब मैनेजमेंट सही रहा है। चलो ठीक, थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है आपका? प्रशांत। प्रशांत जुड़े हमारे साथ, प्रशांत कैसा रहा? आगरा से। प्रशांत आगरा से हैं। पेपर सर इजी आया था सर, मैथ्स और सर रीजनिंग दोनों इजी थी, और जो हिंदी थी वो भी इजी आई थी, बट थोड़ा जो करंट अफेयर थे ना उसका पार्ट थोड़ा ज्यादा था, तो उसके लिए थोड़े क्वेश्चन छूटे, वरना रीजनिंग में 39 अटेम्प्ट हो गए इजीली, और मैथ्स में 35 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो हर कोई कर पाएगा, मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं आ रहा। हर कोई मतलब जिसका मैथ्स अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, जिसके मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वो 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा, और जो 5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं तो सेक्शन फर्स्ट में आ रहे हैं, जिससे कि ऐसा ही सी है कि जिससे टाइम लग रहा है उन बच्चों को, उसको यानी जैसे जैसे आप सेक्शन में पीछे जाते चले जाओगे तो पेपर इजी होगा। हिंदी तो 15 मिनट में पूरी हिंदी दोनों सेक्शन हो गए, मतलब कि हिंदी इजी थी और इंग्लिश भी इजी आई थी, बट कुछ कुछ क्वेश्चन थे इंग्लिश में, जैसे पैराग्राफ में से कौन से स्टेटमेंट सही है उनमें टाइम लग रहा था, चेक करना पड़ रहा था चारों स्टेटमेंट को, ये वाली सही है कि नहीं, ये वाली गलत है। जैसे सेक्शन दूसरे में पैराग्राफ खुलाता है इंग्लिश के में जिसमें स्टेटमेंट चारों, कौन सी स्टेटमेंट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसमें चेक करना पड़ रहा था, चारों स्टेटमेंट ढूंढनी पड़ी, तो इंग्लिश के पैराग्राफ में टाइम लग रहा था। उसमें टाइम लग रहा था, जैसे ये वर्ड है इसमें से पैराग्राफ का अपोजिट क्या होगा, जैसे उनमें थोड़ा देखने में टाइम लग रहा था, वरना पेपर तो सही आया था और मेरे अच्छे हुए क्वेश्चन, पेपर तो अच्छा गया। 150 प्लस अटेम्प्ट कितने रहे आपके? मेरे करीब 165 अटेम्प्ट है, और सर मेरे 140 क्वेश्चन तो करीब सही होंगे, मतलब 140 तो बहुत मैथ्स और रीजनिंग तो सर प्रॉपर ठीक है मेरी, बस जीएस में थोड़े गलत हो सकते हैं और एक आध इंग्लिश में, वरना सर पूरा पेपर अच्छा गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आपका भी एग्जाम, क्या नाम है आपका? सर संदीप नाम है। संदीप सर, नमस्ते भाई। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप कैसा गया एग्जाम? सर एग्जाम सर काफ़ी अच्छा गया सर, आपकी गाइडेंस बहुत ही ज़्यादा काम आई टाइम को लेकर के सर, मैं पहले मॉक में काफ़ी मैंने टाइम का एनालिसिस करा था कि एंड में जो प्रॉब्लम होती थी, और वही चीज़ मैंने आपसे भी सुनी कल की वीडियो में जो 5:35 वाली थी, बट मैं सर मेरी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरा जो रीजनिंग और मैथ में खेलता हूँ मैं, और 40:40। अच्छा मैथ बहुत अच्छा है सर, मैथ सब्जेक्ट कौन सा कमजोर है? सर सब्जेक्ट में सर थोड़ा जीएसई कमजोर है सर, जीएसई में मैं थोड़ा 7 से 8 क्वेश्चन में छोड़ के आया हूँ सर।